ऑलराइट गाइस, क्या हालचाल है तुम लोग। आज अपन का घर में कोई नहीं है, मतलब सब लोग रिश्तेदार के घर गए। अभी मतलब मैं सुबह सुबह उठाऊ भाई, सच बताओ मुंह धोआ और धो के भाई अभी रास्ते में हो, कुछ कुछ मतलब कुछ चीज़ें जरूरी है खाने के लिए, ठीक है वो लेने जा रहा हूँ। और अपन थोड़ी काला हो गए, बहुत ज़्यादा काला हो गए, तो चलो उसको ले आते हैं और आज खुद ही खाना बनाएंगे खाएंगे। अपन का मूड भी कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं क्या होते हैं। आइस तो कुछ चीज़ें की ज़रूरत थी तो लेके आया अपन, नींद से जागे अपन तो वही टाइट है हालत, ठीक है मतलब पूरा ही ख़राब है। चलो बनाते हैं कुछ खाना। अभी अपन पानी गर्म करने दिया, ठीक है भाई अभी इधर सो गए हैं, मतलब उधर उधर पानी गर्म हो रही है और अभी इधर मतलब मैं कुछ बना रहा हूँ, मतलब रेडी करने का जो तैयारी लगते है वही हो रहा है। हमारे पानी हो चुका है गर्म, तो भाई यो देखो भाई कपड़ा अपन उतर दिया है और देखो भाई अभी अब अपन की जो पानी था गर्म हो गया है और अभी उसमें जो डालना है वही डालेंगे। देखो इधर मैंने पूरा कचरा भरा के रखे है, ठीक है इधर देखो भाई पूरा ली कचरा है और इधर भी सब कुछ कचरा है। पसीना निकल गया आ गया, मतलब खाना बनाने में इतना मेहनत लगती है। हमारा घर में जो खाना बनती है माँ बनाती है, तो हम लोग अगर थोड़ी भी अच्छा नहीं हुआ तो डांटते भाई ऐसा मत करो, ठीक है ऐसा मत करो भाई वरना खुद ही पछताओगे बाद में। वाह तैयार हो गया है खाना, अभी इसको खाना है हमें। नहीं नो देखो भाई, किसी ने कहा था कि भाई मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैंने इसको है सच में मीठा है क्योंकि मैं इसे सोकाल कराओ, ठीक है मीठा चीज कराओ। तो चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद बहुत मतलब खुद बना के खाना बहुत मज़ा आता है, बहुत मेहनत तो लगती है। मैंने 10:30 बजे से शुरुआत की थी और अभी टाइम है 11:30 बजे और मुझे बहुत काम है, ठीक है अभी भी तो भाई खा लेते फटाफट और काम बहुत है उसका देते। तो भाई खाना खत्म भाई, बहुत मेहनत लगे उतना मतलब उतना सा खाना बनाने के लिए। भाई सोचो अगर घर वाले खाना बनाते हैं तो भाई कितना मेहनत लगते है। तो अभी हमें जाना है बाज़ार और हमारा साथ है मोहतरमा, इसको चढ़ के जाएंगे। अपन का बल भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है लोग कहते हैं कि तेरा इतना पतला बॉडी में इतना बड़ा बल सेट नहीं होता है, मतलब कमेंट करते हैं ऐसा कुछ। चलो आज की आज जंगल को अप करना है, अभी अपन को जाना है। बट आई नो देखो भाई हम लोग आ चुके हैं बाजार में और इधर अपना मोहतरमा है इधर रखना है। और देखो भाई वो जो खाना था ना भाई, खाने की बात बहुत मतलब कोई अलग से फीलिंग हो रही है क्योंकि भाई उतना खाना मैंने खा नहीं पाया। और एक बात कहना है हमें, बहुत पसीना आ रही है, कटना है पिछवाड़े दुकान है उसमें से उधर जाएंगे जाके कटना है मेरे को। और उतना खाना खाने के लिए जो भाई मतलब क्या हार्डवेयर अच्छा रहना चाहिए पार्ट्स, तो वो मेरा अच्छा नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा पाता हूँ इसलिए आधा रख के आया हूँ घर। और चलो अभी जाके कटवाते हैं अपनी जंगल सब करते हैं। बट आई नो भाई अपन का पूरा टकला कर दिया है, तो अभी अपन की मोहतरमा को लेके जाओ। बट आई नो घर आ चुका है, अभी नहाना है हमें, टवर से नहा के धुला के फ्रेश होना है क्योंकि भाई बाल है बहुत छोटी छोटी टुकड़ा है इसका हटाना है हमें। और देखो भाई पूरा ले गंजा करके दिया है, क्या है क्या है क्या है आगे बढ़ते। बट आई नो देखो भाई एक चीज़ मैंने फीलिंग किया, जैसे कि देख सकते हो बाल काटने के बाद यहाँ से जो हवाएं जाती है ना बहती है ना भाई बहुत मज़ेदार होती है, सच कहता हूँ बहुत अनोखी लगती है, ठीक है। और एक पूरा ली टकला गंजा कर दिया इधर से, और क्या है अभी दोपहर बजे हैं, मतलब बज के 1:28 हुआ, 1:28 हुआ, ठीक है अभी आया हूँ कुछ खाना पीना है घर, ठीक है बाद में मिलते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हो अभी बजे है 5 PM और अभी निकल रहा हूँ, मतलब शाम के टाइम है मतलब होने वाला है अभी। तो अभी मतलब क्या मौसम बढ़िया है, देख सकते हो भाई एकदम ले ठंडा है, कभी गर्मी था कभी मौसम बदल रही थी। और आज अभी इधर से निकलने वाला हूँ, इधर अपना मोहतरमा है और अपन को देखो भाई एकदम मतलब क्या माथे में जो बाल था वो सब कुछ निकाल दिया है और अपन को कुछ अलग स्टाइल लग रही है। तो अभी इधर से जाना है मेरे को और कहीं भी जाना है, और चलो देखते हैं किधर जाते हैं, कहीं तो सोच के रखे कि उधर जाएंगे। चलो इस मौसम का व्यू लेते हैं जाके मज़ा लेते हैं। और अपन का कुछ अलग सी लग रही है, देखो मतलब बड़े बड़े बाल था कुछ अलग लग रही थी,
और अभी भाई छोटे छोटे हो गए, तो भाई कुछ बात नहीं, दो तीन चार दिन बाद हो जाएगा। चलो अपन को भी आँखों में सेटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई देखो सर में इतना छोटे छोटे बाल और कुछ अलग डिफरेंस लग रही है, क्या करें, लगे तो क्या है। और ये मूंछ हल्का हो गया, मतलब इसके पहले जो बाल था वो उसमें ना अपन को ये फील हो रहा था कि भाई सर में कुछ है, मतलब 20-50 किलो की कोई चीज़ है जो सर में हर समय अटक कर रहती है। तो भाई वो सब निकल गया, और जब हवाएं लगती है ना भाई कान के पास से जब बहती है हवाएं, तो भाई तब भी मज़ा ही मज़ा है।